यूएसए और कनाडा के लोगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 युवकों को गुरुग्राम की साइबर क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर की मदद से वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कंप्यूटर सिस्टम, 7 डेस्कटॉप व एक मॉडम भी बरामद किया है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मकान नंबर 120P सेक्टर 42 गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जहां यूएसए और कनाडा के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके ठगी की जा रही है। कल एक विश्वसनीय सूचना मिलने पर एसीपी साइबर श्री प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बिजेंदर, एसएचओ साइबर ईस्ट व एसएचओ सुशांत लोक के साथ मिलके एक रेड कंडक्ट की गई 42 सेक्टर में, जहां ये जानकारी मिली थी कि यहां एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। वहाँ जाके जब चेक किया गया तो 6 लोग वहाँ काम करते हुए पाए गए, जो इसके मैनेजर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे कॉल सेंटर के, तो वो कोई भी इस तरह का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिससे ये साबित होता हो कि ये वैध तरीके से काम कर रहे हैं। जब ज़्यादा गंभीरता से जांच की गई और पता किया गया तो ये पता चला कि ये अपना पॉपअप भेज के फॉरेन के लोगों, खासकर यूएस और कनाडा के लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। पहले पॉपअप भेजते थे, फिर उनका जिस रिस्पॉन्स आता था उससे उनका लैपटॉप का एक्सेस ये अपने पास ले लेते थे, और उससे उसको उनकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करने के नाम पे पैसे ठगते थे। $200 से लेके $500 तक एक व्यक्ति के साथ ये ठगी करते थे। इस तरह से ये सारा ये काम चला रहे थे। 6 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। 7 डेस्कटॉप इनसे हमने बरामद किए हैं व एक इंटरनेट का मॉडम इनसे हमने बरामद किया है। जो पूछताछ में पता चला है, इसका जो जहाँ पे ये कॉल सेंटर चला रहे थे उसका असल मालिक सचिन है, उस जगह भी उसी की थी और वो यही सारे कॉल सेंटर का मालिक है। वो और इसका मैनेजर मिलके ये इस तरह की उसमें शामिल थे, और जो बाकी लोग थे वो 40 से 45 हज़ार रुपये की सैलरी पे थे। पूछताछ में अब तक ये भी पता चला है कि ये अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं, सैकड़ों लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। अभी ज़्यादा इसमें और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे न्यायालय में पेश करके आगे का कार्रवाई जारी है। सर, कितने टाइम से ये लोग कर रहे थे? लगभग 1 साल से ये इसमें व्यस्त थे, इस धंधे में, और इसमें इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए।